बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर शुमाइल। आज हम लोगों ने फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट लेने हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है आज का? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमारा 1.1 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस, जिसका फर्स्ट पार्ट है 5000, सेकेंड पार्ट है 2000000W होता है वॉट। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 52 × 10⁻¹⁰ kg। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 225 × 10⁻¹⁸ सेकेंड। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रीफिक्सेस की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं आपको याद है? Prefixes are the letters or numbers which use before SI unit. ऐसे letters, ऐसे numbers होते हैं जिन्हें हम लोग SI unit से पहले use करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से prefixes हैं। आपके पास जैसे किलो, किलो होता है 10⁻³ है। इस तरह से मेगा है 10⁻⁶ है, गीगा है 10⁻⁹ है, टेरा है 10⁻½ है। इसी तरह से आप माइनस वाले prefixes रिवाइज कर लें। माइनस में हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं? मिली है 10⁻³, माइक्रो है 10⁻⁶, इसी तरह से नैनो है 10⁻⁹ और पीको है 10⁻⁻½। हमने अपने क्वेश्चन को इन फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5000 ग्राम्स। ठीक है, 5000 ग्राम्स क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको किलो में कन्वर्ट करना है या किसी मेगा में। तो देखें इसके साथ 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, क्या करेंगे, 5 × 10³। पॉइंट को हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया, 10³ हो जाएगा। ठीक है, ग्राम एज इट इज है। अब आपको पता है 10³ किसके इक्वल होता है? 10³ होता है किलो के इक्वल। तो 5 kg हमारा आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की जानिब, जो है हमारे पास 2 मिलियन वॉट। ठीक है, मिलियन, अब हमारे पास 6 ज़ीरोज हैं, क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁶। ठीक है, उसको शिफ्ट करना है 2 × 10⁻⁶ वॉट, जो इसका यूनिट है वो एज इट इज। और आपको पता है 10⁻⁶ किसके इक्वल होता है, मेगा के, कैपिटल एम के। तो क्या आ जाएगा, 2 मेगावाट, 2 MW, ये हमारा आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो है हमारे पास 52 × 10⁻¹⁰ kg। अब देखें 52, पहले क्या करेंगे, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे, 5.2 × 10⁻¹⁰। ठीक है, फिर 10⁻⁻⁰ एज इट इज। और किलो, किलो क्या होता है, 10⁻³। इस क्वेश्चन को हमने एक सिंगल प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, इस वजह से हमने क्या किया है, किलो को भी अभी 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा रूल आपने याद रखना है, वो रूल क्या है, रूल है हमारे पास, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। आप देखें, एक 10⁻¹ है, एक 10⁻⁻¹ है, एक 10⁻³ है। अब क्या करेंगे, इन तमाम पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, 5.2 × 10⁻¹⁰ − 10⁻³. अब आपको पता है 1 − 10 + 3 करें क्या आ जाएगा हमारे पास, −6 आ जाएगा। तो 5.2 × 10⁻⁶ ग्राम, और 10⁻⁶ किसके इक्वल होता है, माइक्रो के। तो 5.2 μg हमारा आंसर है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के जानिब, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है वो है 225 × 10⁻⁸ सेकेंड। अब देखें 225 है, पॉइंट को आप 2 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करें, तो 2.25 × 10⁻², और 10⁻⁸ सेकेंड एज इट इज।
अब अगेन देख लीजिए वही रूल अप्लाई करेंगे, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, 10 रेज पावर 2 माइनस 8 हो जाएगा, और 2 माइनस 8 क्या होता है हमारे पास माइनस 6 होता है, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 6 सेकंड, और माइनस 6 क्या होगा हमारे पास माइक्रो, तो 2.25 माइक्रो सेकंड इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब जो है 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेटेड विद ईच अदर। हमने माइक्रो नैनो और पिको का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना है, मतलब हम इन तीनों को आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रो को नैनो में, नैनो को पिको में, माइक्रो को पिको में, या इसका ओपोजिट रिलेशनशिप है। फर्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड नैनो, अब देख लीजिए माइक्रो क्या होता है 10 रेज पावर माइनस 6 है, नैनो है 10 रेज पावर माइनस 9, और पिको है 10 रेज पावर माइनस 12, ठीक है। माइक्रो, अब हमने पहले फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड नैनो, माइक्रो से स्टार्ट लेते हैं, हमें पता है 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10 रेज पावर माइनस 6 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने किस चीज का रिलेशनशिप फाइंड करना है, इसके साथ नैनो का रिलेशनशिप फाइंड करना है, नैनो क्या होता है हमारे पास 10 रेज पावर माइनस 9 होता है, तो दोनों साइड्स को 10 रेज पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 9 इक्वल्स टू 10 रेज पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 9। अब देख लीजिए क्योंकि हमें एक साइड पे माइक्रो का रिलेशनशिप चाहिए, दूसरी साइड पे नैनो का, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें 1 माइक्रो के साथ 10 रेज पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 रेज पावर माइनस 9 को जब आप दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट माइक्रो के साथ 10 रेज पावर माइनस 9 है जब आप इसे इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर प्लस में आ जाएगी 10 रेज पावर प्लस 9। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू वैल्यूज है हमारे पास 10 रेज पावर 9 और 10 रेज पावर माइनस 6, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दें, 1 माइक्रो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 रेज पावर 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 9। अब आपको पता है 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 रेज पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो एज इट इज। और आपको पता है 10 रेज पावर माइनस 9 किसके इक्वल होगा, 10 रेज पावर माइनस 9 इक्वल है हमारे पास नैनो के, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 3 नैनो। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप की जानिब जो है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड पिको। आपको होता है माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है 10 रेज पावर माइनस 6 और पिको होता है 10 रेज पावर माइनस 12, तो हमने लिख दिया 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर माइनस 6। अब 10 रेज पावर माइनस 12 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, तो 1 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12 इक्वल्स टू 10 रेज पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12। अब देख लीजिए जो माइक्रो के साथ 10 रेज पावर माइनस 12 है, इसे क्या करें दूसरी साइड पर ले जाएं, जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इधर नेगेटिव था दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग वाली टू वैल्यूज है 10 रेज पावर 12 और 10 रेज पावर माइनस 6, इन दोनों को अब हम लोग क्या करने लगे हैं, कंबाइन करने लगे हैं, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, क्या हो जाएगा 1 माइक्रो एज इट इज है 10 रेज पावर माइनस 10 रेज पावर 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12। अब क्या करेंगे 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12, और 10 रेज पावर माइनस 12 की जगह आप क्या लिख देंगे पीको, तो 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 मल्टीप्लाई बाय पी, 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 पी, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड पीको। अपने थर्ड रिलेशनशिप के जानिब मूव करते हैं, वह हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन नैनो एंड पीको। आपको पता है पीको क्या होता है और नैनो, नैनो होता है 10 रेज पावर माइनस 9 और पीको होता है 10 रेज पावर
माइनस 12। अब क्या करेंगे, 1 नैनो इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 9 किया और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को 10 रेज पावर माइनस 12 से, ठीक है। तो 1 नैनो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12 इक्वल्स टू 10 रेज पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12 आ जाएगा। अब आपको पता 10 रेज पावर माइनस 12 इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12। अब 10 रेज पावर प्लस 12 और 10 रेज पावर माइनस 9 इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, क्या हो जाएगा, 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 12 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12, और 10 रेज पावर 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 रेज पावर 3। तो 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 12, और माइनस 10 रेज पावर माइनस 12 क्या होता है, पीको, तो आंसर आ जाएगा 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 3 पीको। ये हमने रिलेशनशिप फाइंड किया नैनो और पीको का। हम ये रिलेशनशिप एक और वे में भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इस रिलेशनशिप को फाइंड करने का जो सेकेंड मैथड है वो है हमारे पास, अभी हमने जो दो इक्वेशंस पढ़ी थी उन्हीं को यूज़ करेंगे जो हमने डिराइव कर लिया, 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 3 नैनो और 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 पीको। इन दोनों की आप देखें राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग का क्या रूल होता है, जो सेम साइड होती है वो हम उसको कट कर देते हैं और जो सेम साइड नहीं होती उन्हें आपस में एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 रेज पावर 3 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 पीको, ठीक है। अब देखें 10 रेज पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 6 और उधर जाकर साइन चेंज करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, बेस से मैं पावर ऐड कर दे तो 10 रेज पावर 6 माइनस 3 पीको, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पावर 3 पीको इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के जानेब जो है हमारे पास 1.3, योर हेयर ग्रोथ एट अ रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर्स पर सेकेंड। हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो कितनी होती है, पूरे डे में 1 मिलीमीटर होती है, तो हमने इस ग्रोथ रेट को नैनोमीटर्स पर सेकेंड में फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं हमें डाटा में क्या गिवन है, हमें डाटा में गिवन है हमारा हेयर ग्रोथ रेट, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ विच इज 1 मिलीमीटर पर डे, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, टू फाइंड है हमारे पास हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, NMS-1 नैनोमीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। सोल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ है विच इज़ 1 मिलीमीटर पर डे, हमें पता है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, मिलीमीटर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर्स के। इसी तरह से पर डे, पर डे मतलब एक 1 आवर डे, ठीक है। आपको पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 जो पर डे है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आवर 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, मतलब हमने जो पर डे था उसे पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, 1 मिलीमीटर था, 1 मिलीमीटर की जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर, और जो पर डे है उसकी जगह आ जाएगा आवर 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 3 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 0.00000001 मीटर, और सेकंड नीचे था उसे ऊपर ले आए, सेकंड माइनस 1 हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है हमने क्योंकि नैनो में फाइंड करना है, नैनो क्या होता है 10 रेज पावर माइनस 9, तो हम पॉइंट को क्या करने लगे हैं, इसको शिफ्ट करेंगे 9 डिजिट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11.57 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 9
मीट एम एस माइनस वन। और आपको पता है 10^-9 किसके इक्वल होता है, 10^-9 इक्वल होता है हमारे पास नैनो के। तो क्या आ जाएगा आंसर, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर, हमारा जो हेयर ग्रोथ है वन डे में 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो है हमारे पास 1.4। रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, 1168 मल्टीप्लाई बाय 10^-27, 32 मल्टीप्लाई बाय 10^-5, 725 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 केजी, और 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10^-8। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, हमने पॉइंट को वन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद शिफ्ट करना है। ये अब देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 1168 मल्टीप्लाई बाय 10^-27 है। अब देख लें 1168, पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, 8 के बाद पॉइंट है जिस इक्वेशन में, जिस में पॉइंट नहीं होता लास्ट डिजिट के बाद होता, पॉइंट को शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10^3 और मल्टीप्लाई बाय 10^-27 एज इट इज। अब देख लीजिए 10^3 और 10^-27 है, व्हेन बेसिस आर सेम देन क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 0.2 रिमेंबर था आपके पास, और 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 3-27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10^-24। ये है हमारा आंसर। मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की जानिब, जो है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 10^5। आपको पता है 32 है, पॉइंट को आपने 3 के बाद शिफ्ट करना है क्योंकि वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर है। क्या हो जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10^1 मल्टीप्लाई बाय 10^5। ठीक है, अब देख लें 10^1 और 10^5 है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10^5 क्या हो जाएगा, 1+5 10^6 हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो है पार्ट सी, 725 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 के जी। अब देखें 7 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर है, पॉइंट को 7 के बाद शिफ्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10^2 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 और के, के को क्या लिखती है, 10^3 ग्राम। अब क्या है, बेस सेम है, वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दें, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10^2 -5 +3 ग्राम, और आपको पता है 2 -5 +3 क्या हो जाएगा, 10^0 हो जाएगा, 10^0 होता है 1, तो 7.25 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की जानिब, जो है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10^-8, पॉइंट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना, जो है 0.02 था तो 2 के बाद शिफ्ट करें, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 मल्टीप्लाई बाय 10^-8। अब क्या करेंगे, 10^-2 और 10^-8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 -8 हो जाएगा, और -2 -8 क्या होता है, 10^-10। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10^-10। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।